एक कविता स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से ही प्रस्तुत करता हूं कि कहीं उस भूमिका में चार पंक्तियां कि अग्निवेश शुक्ल ने कहीं लिखा कि लहू के भाव खरीदी है हमने आजादी, कि लहू के भाव खरीदी है हमने आजादी, सिर्फ अहिंसा की फिरौती नहीं है देश मेरा, चंद जामाज लड़ाकों का भी हक है इस पर, सिर्फ गांधी की बपौती नहीं है देश मेरा, कि चंद जाबाज लड़ाकों का भी हक है इस पर, सिर्फ गांधी की बपौती नहीं है देश मेरा। तो याद कीजिए वो दिन 27 फरवरी 1931 को जब एक मुठभेड़ हुई, एक महायुद्ध हुआ इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, जब एक व्यक्ति ने पूरी ब्रिटिश हुकूमत को हिला दिया। उस महावीर बलिदानी को याद करते हुए कुछ पंक्तियां रखता हूं कि जिनकी देह पार्थिव भी दुश्मन के भय का कारण थी, वो शव रखा रहा कई घंटे तक और ब्रिटिश पुलिस की हिम्मत नहीं हुई उनके पास जाने की। तो कहता हूं कि जिनकी देह पार्थिव भी दुश्मन के भय का कारण थी और जिनके पिस्टल की गोली बस आजादी का उच्चारण थी, और सारा जीवन न्योछावर है उस अनमोल जवानी पर, और कितने चरखे कुर्बान करूं मैं शेखर की कुर्बानी पर, सारा जीवन न्योछावर है उस अनमोल जवानी पर, और कितने चरखे कुर्बान करूं मैं शेखर की कुर्बानी पर, जिसको सारे जीवन में थी सुविधा की कोई चाह नहीं, भारत माता की सेवा में की प्राणों की परवाह नहीं। और एक शब्द चित्र देखिए कि कुछ लोग घूमते तब भी थे गीता लेकर हाथों में, एक महापुरुष थे जिनके एक हाथ में श्रीमद् भगवद गीता होती थी और दूसरे हाथ में लाठी होती थी, और दुर्भाग्य से दोनों का प्रयोग नहीं किया उन्होंने। कुछ लोग घूमते तब भी थे गीता लेकर हाथों में, पर अमल नहीं करते थे वे उस धर्म ग्रंथ की बातों में, कि जब स्वयं कह रहे वासुदेव दुष्टों का संहार करो, गांडीव उठाओ हाथों में, तुम अन्यायी पर वार करो, तब एक गाल के बदले में क्यों गाल दूसरा बढ़ता था, और गीता संग में रखने वाला क्यों उसे नहीं फिर पढ़ता था, गीता संग में रखने वाला क्यों उसे नहीं फिर पढ़ता था। और माना मंत्र अहिंसा वाला देना बहुत जरूरी था, कि माना मंत्र अहिंसा वाला देना बहुत जरूरी था, और खादी वाला था विचार वो भारत की मजबूरी था, लेकिन मात्र अहिंसा क्या फिर दुश्मन से लड़ सकती थी, और कुटिल फिरंगी चालों के आगे कब तक अड़ सकती थी, कि साम दाम और दंड भेद हर नीति जरूरी होती है, और कुत्ता पागल हो जाए तो गोली मजबूरी होती है, साम दाम और दंड भेद हर नीति जरूरी होती है, कुत्ता पागल हो जाए तो गोली मजबूरी होती है, और भय बिना प्रीत कब हुई भला, पन्ने खोलो इतिहासों के, कि लिखा कि विनय न मानत जलत जड़ गए तीन दिन बीत, कि शांति के ताप से रावण कहां पिघलता है, और भूख हड़ताल से लंका नहीं जला करती, राम कहते हैं बिना युद्ध किसी को वापस, अपने सम्मान की सीता नहीं मिला करती, कि भय बिना प्रीत कब हुई भला, पन्ने खोलो इतिहासों के, आजादी आई है केवल बदले में टूटी सांसों के, जब रक्त तिलक श्रृंगार हुआ है खप्पर भरा भवानी को, कर दिया भेंट बलिवेदी पर अपनी अनमोल जवानी को, तब आजादी की दुल्हनिया छम 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 करके आई है, और कितने जीवन कुर्बान हुए तब आजादी पाई है, कितने जीवन कुर्बान हुए तब आजादी पाई है। और जब भारत माँ बंदी होकर रोकर बेटों को याद करे, कि जब भारत माँ बंदी होकर रोकर बेटों को याद करे, जब अपनी लाज बचाने को कातर स्वर में फरियाद करे, जब माँ का दामन तार तार और मस्तक लहू लुहान दिखे, क्रूरता दासता से पीड़ित जुल्मों से भरे निशान दिखे, तब कौन नपुंसक होगा जो अपने मन में हुंकार न ले, तब कौन नपुंसक होगा जो अपने कर में तलवार न ले, सुनकर कातर माँ की पुकार तुम कैसे चुप रह पाओगे, दुश्मन के हाथ तड़पती निज माँ का दुख कब सह पाओगे, जो पड़ा पुत्र हो अर्थी पर वो भी फिर उठकर जागेगा, या बैठ आश्रम के अंदर चरखे पर धागा काटेगा,
जो बड़ा पुत्र हो अर्थी पर, वो भी फिर उठकर जागेगा या बैठ आश्रम के अंदर चरखे पर धागा कातेगा, लेकर हथियारों को रण में उतरेगा। शत्रु हनन को वो बनकर के भीम प्रताप शिवा आएगा, दुष्ट दलन को वो ऐसे ही थे वो नौजवान, उनकी अनमोल जवानी थी, भय नहीं मृत्यु का लेश मात्र, खूनों में अलग रवानी थी। और दो पंक्तियां दे रहा हूं और पंक्तियां नहीं, अब मैं सभागार में थर्मामीटर डाल रहा हूं कि भय नहीं मृत्यु का लेश मात्र, खूनों में अलग रवानी थी, और 25 बरस का वह जीवन लाखों जन्मों पर भारी है। कि 25 बरस का वो जीवन लाखों जन्मों पर भारी है, मत छपे नोट पर भले कभी दिल में तस्वीर उतारी है। 25 बरस का वो जीवन लाखों जन्मों पर भारी है, मत छपे नोट पर भले कभी दिल में तस्वीर उतारी है। लेकिन बलिदानी बेटों का कब तक अपमान रहेगा यूं, केवल चरखे का खादी का भारत गुणगान करेगा क्यों। लाखों मुठभेड़े और फांसियां दर्ज यहां इतिहासों में, लाखों मुठभेड़े और फांसियां दर्ज यहां इतिहासों में, कितने चूड़ी सिंदूर मिटे सोचा है कब एहसासों में, कितनी टूटी चूड़ियां यहां, कितने घर बेऔलाद हुए आजादी हासिल करने को, कितने उजड़े बर्बाद हुए, कितने बूढ़े कंधों ने भी अर्थियां उठाई बेटों की, कितने दुनिया से चले गए ले पीड़ा भूखे पेटों की। और शेखर की माता जी गुजरी सारा जीवन रोते रोते, और बिस्मिल की मां मर गई गैर के घर बर्तन धोते धोते। शेखर की माता जी गुजरी सारा जीवन रोते रोते, बिस्मिल की मां मर गई गैर के घर बर्तन धोते धोते। और इस पर भी कोई जब मुझको चरखे का राग सुनाता है, कि इस पर भी कोई जब मुझको चरखे का राग सुनाता है, बिन खड्ग चले बिन ढाल गए अंग्रेज भाग बतलाता है, ऐसे लोगों को कहो भला कैसे और क्या समझाऊं मैं, जीतो करता है शेखर की भाषा में ही बतलाऊं मैं, ऐसे लोगों को कहो भला कैसे और क्या समझाऊं मैं, जीतो करता है शेखर की भाषा की में ही बतलाऊं मैं, कि गर होती ताकत चरखे में तो टैंक मिसाइल क्यों आते, कि गर होती ताकत चरखे में तो टैंक मिसाइल क्यों आते। और आकाश अग्नि ब्रह्मोस छोड़ चरखे सीमा पर सज जाते, कि गर होती ताकत चरखे में तो टैंक मिसाइल क्यों आते, आकाश अग्नि ब्रह्मोस छोड़ चरखे सीमा पर सज जाते। ज्यों चरखा चलता खटर खटर दुश्मन डर भाग रहा होता, सारा भारत सोता रक्षा में चरखा जाग रहा होता, सारा भारत सोता रक्षा में चरखा जाग रहा होता। और आजादी आई है केवल बस वीरों के बलिदानों से, हैं आज सुरक्षित सीमाएं केवल सैनिक अभियानों से, इसलिए भूल कर सत्याग्रह अब शस्त्राग्रह को याद करो, जो सिखा गए आजाद भगत उसको ही जिंदाबाद करो। और जब तक तन में है एक बूंद भारत पर आंच ना आएगी, जो दिखलाएगा इसे आंख वो आंख फोड़ दी जाएगी, जो दिखलाएगा इसे आंख वो आंख फोड़ दी जाएगी। और चार पंक्तियां देकर अपना स्थान लेता हूं, कि भारती के अश्रु अब प्रतिकार मुझसे मांगते हैं, बैरियों के रक्त की ये धार मुझसे मांगते हैं, और हर हर मचलती जांघ से ये भीम का संदेश कह दो कि द्रौपदी के केश अब श्रृंगार मुझसे मांगते हैं, हर मचलती जांघ से अब भीम का संदेश कह दो द्रौपदी के केश अब श्रृंगार मुझसे मांगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।